के ध्यान सपनों की उड़ान। प्यारे बच्चों, आप सुन रहे हैं के ध्यान सपनों की उड़ान। बच्चों, पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं, तो आज मैं आपको एक बहुत ही अनूठे जानवर के बारे में कुछ अनूठी व रोचक जानकारियां दूंगा। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं किसके बारे में बात करने वाला हूं? बच्चों, आज मैं आपको कंगारू के बारे में बताऊंगा। जी हाँ, कंगारू एक शाकाहारी पशु है जो मूल रूप से केवल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह यहाँ का राष्ट्रीय पशु भी है। कंगारू की शारीरिक बनावट बहुत ही अनूठी होती है। इसकी पिछली टांगे लंबी और अगली छोटी होती हैं, जिससे ये उछल उछल कर चलते हैं। कंगारू की एक और विशेषता होती है उसके पेट के निचले भाग में मौजूद एक थैली, जिसमें जन्म के बाद उसके बच्चे काफी दिनों तक सुरक्षित रहते हैं। सामान्यतः कंगारू का रंग ग्रे व भूरेपन का मिला जुला रूप होता है। इसके दो बड़े बड़े कान होते हैं तथा पैरों में अंगूठे नहीं होते हैं। इनकी दूसरी और तीसरी उंगलियां पतली और आपस में एक झिल्ली से जुड़ी होती हैं, जबकि चौथी और पांचवी उंगली अन्य के मुकाबले बड़ी होती हैं। कंगारू की पूंछ लंबी और भारी होती है। उछलते समय वे इसी से अपना संतुलन बनाए रखते हैं। उनकी पूंछ उन्हें बैठने और यहां तक कि चलने में भी काफी मदद करती है। बच्चों, वैसे तो कंगारू एक शांतिप्रिय जीव है, लेकिन अपने ऊपर खतरे की आशंका होते ही यह अपनी रक्षा में अपनी पिछली टांगों से जोरदार हमला भी करता है। ऑस्ट्रेलिया में कंगारुओं की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ आकार के मामले में छोटे घोड़े के बराबर होते हैं तो कुछ खरगोश से भी छोटे होते हैं। ये ऊंट की तरह बिना पानी पिए कई दिनों तक रह सकते हैं। कई अन्य जीवों के जैसे कंगारू को भी समूह में रहना पसंद होता है। प्यारे बच्चों, पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीव हमारे जीवन के लिए कई प्रकार से महत्वपूर्ण हैं। ये किसी न किसी प्रकार से पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाने में अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। हम उनसे कई तरह से सबक सीख सकते हैं, जैसे कि करुणा, सम्मान, आत्मनिर्भरता और एक दूसरे की सहायता इत्यादि। आज कई वजहों से पृथ्वी पर मौजूद अनगिनत जीवों का अस्तित्व खतरे में है, इसलिए इन्हें बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। हम सबका प्रमुख कर्तव्य यह भी है कि हम बेजुबान जानवरों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएं, बल्कि उनके जीवन को भी आसान बनाने के लिए हम समय समय पर प्रयास करते रहें, चाहे उनके भोजन पानी की व्यवस्था करनी हो या उनके आवास की। हमें इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें सभी जीवों के प्रति प्रेम व सहयोग का भाव रखना चाहिए। तो बच्चों, ये थी कंगारू से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। आप सुनते रहो के ध्यान सपनों की उड़ान।